प्रदेश में भीषण गर्मी से हर कोई परेशान हो रहा है। गर्मी से बचाव के लिए लोग भांति भांति के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में एक ऑटो चालक ने गर्मी से बचाव और सवारियों को राहत पहुंचाने के लिए ऑटो में घास की टांटियां लगाई हैं। ऑटो चालक ने बताया कि इस प्रयास से सवारियों को गर्मी से राहत मिल रही है। गर्मी का दौर जारी है, अधिकांश जिलों में 43 से 47 डिग्री का तापमान बना हुआ है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं मैं बात करूं तो लोग गर्मी से बचने के लिए अनेक नवाचार और उपाय करते नजर आ रहे हैं। जयपुर में मौजूद हमारे साथ एक ऑटो चालक हैं जिन्होंने अपने ऑटो में एक नवाचार किया है। फूस की टाटियां लगाकर जो साथ में ग्राहक होते हैं उनको गर्मी से राहत दिलाने का एक बेहतरीन प्रयास किया गया है। इस प्रयास पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने देशवासियों के लिए कूलिंग हवा खिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, अपना देशवासी गर्मी से बचे, बीमारी आरी से बचे, उसको कूलिंग आए, काफ़ी मतलब एनर्जी मिले उसको गर्मी के अंदर। जी, जो ग्राहक हैं उनका क्या कहना है? जो इस फूस की टाटियाँ लगाकर आप जो उनको ठंडक देना चाह रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, उनका क्या कहना है, उनका कैसा रिएक्शन है? वो बहुत तारीफ करते हैं, वीडियो वगैरह भी बना के ले जाते हैं, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी दे जाते हैं हम लोग को कि मज़ा आ गया भैया, आपने एसी को भी फेल कर दिया। रियल नेचुरल ऑफ द बीफ और किंग टाइम हवा खिला रहे हैं आप, राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा अल्टरेशन किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये नवाचार है। यहाँ पे फूस की टाटी लगाई गई हैं और गर्मी जो पूरे प्रदेश में लोगों को, जनजीवन को प्रभावित कर रही है, लोग अनेक उपाय करते नजर आ रहे हैं। कहीं शीतल पेय पदार्थ पीते नजर आ रहे हैं तो कहीं स्काफ आदि से मुंह ढककर निकल रहे हैं। जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिए ही लोग निकलते नजर आ रहे हैं घर से, क्योंकि जो सड़कें हैं वो दिन के समय में 12 से 4 बजे की भी जो भीषण गर्मी रहती है उस समय में लोग आवश्यक कार्य के लिए निकल रहे हैं, अन्यथा जो सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। कैमरा राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, DD News जयपुर।